हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु पल बेस्ट केमिस्ट्री में। जैसे कि हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है, तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर दूसरा लेके आए, लेक्चर नंबर सेकेंड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेप शुगर। तो ग्लूकोज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रेप शुगर। ग्लूकोज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ओके, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फूड्स। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फूड्स एंड हनी। ये किसमें प्रेजेंट होती है? मीठे फलों में पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? शहद के अंदर। तो ग्रेप शुगर, ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। वही पुराना तरीका, C6H12O6। ओके, तो ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। दूसरी बात, 20% ग्लूकोज आर फाउंड इन राइप ऑफ ग्रेप्स। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनके अंदर भी 20% शुगर, वो ग्लूकोज पाई जाती है। ठीक है, 20% ग्लूकोज कहां पाई जाती है? राइप ऑफ ग्रेप्स के अंदर। फाउंड इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। मतलब फ्री स्टेट में भी मिल सकती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकती है। हमें फाउंड इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। सोलेबल इन वॉटर, इनसोलेबल इन ईथर। ठीक है, देखिए, ग्लूकोज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोलेबल इन वॉटर, इनसोलेबल इन ईथर। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोलेबल इन वॉटर एंड इनसोलेबल इन ईथर। ठीक है, उसके अलावा इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 419 केल्विन। कितना होता है? 419 केल्विन होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 419 केल्विन। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, सोलेबल इन वॉटर होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 490 केल्विन। अच्छा, अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन हमारे पास दो तरीके से मेथड है। पहला तरीका है फ्रॉम सुक्रोज। पहला तरीका हमारे पास क्या? फ्रॉम सुक्रोज, यानी कि C12H22O11। इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया वॉटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें क्या मिली? गल्फ्रेन। मतलब C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, हेक्सा एल्डोसिस। किस नाम से? हेक्सा एल्डोसिस। और साथ में C6H12O6 यह हमें क्या मिला? फ्रक्टोज। यह हमें क्या मिला? फ्रक्टोज। तो हमें दो चीजें मिली, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें जीएफ मिलता है, ग्लूकोज मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है। और दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है फ्रॉम स्टार्च। कौन सा मेथड है? फ्रॉम स्टार्च, यानी कि C6H10O5 की एन यूनिट। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, एन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर के साथ,
एट 373 केल्विन टेम्परेचर, 2 से लेकर 3 एपीएम प्रेशर पर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6 मिलेगा, और इसके एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ यूनिट मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। तो दो तरीके, एक सुक्रोज और एक स्टार्च। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराओ, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराओ तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा यहां पर छोटा सा मैं बता देता हूं, अभी हम लोग आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर अलग लेक्चर में लेके आएंगे, लेकिन अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे याद रखें, चो 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 कितनी बार, 4 बार, फिर CH2OH, याद हो गया, CHOLDIH ग्रुप, फिर CHOH 4 बार, फिर CH2OH। अभी आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, हेडिंग डालेंगे, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इसमें पहला जो आती है, पहली प्रॉपर्टी आती है रिडक्शन। पहली कौन सी आती है, रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक तो है HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको प्यार से बोलते हैं लाहा, क्या बोलते हैं लाहा, और फंक्शनल ग्रुप बोलेगा आहा, क्या बोलेगा आहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाहा, फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा आहा, रेड फॉस्फोरस HI, इसका नारा तो याद है, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस HI का नारा, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जैसे हमारे पास मान लो CHO CHOH CH2OH, ये बेटा इसके 4 मॉलिक्यूल है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने HI विद रेड फॉस्फोरस कराई तो आपको पता होना चाहिए 6 कार्बन की मुझे क्या मिलेगा, एल्केन, और 6 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है, एन हेक्सीन, कौन सा होता है, एन हेक्सीन। तो CH3 CH2 के 4 मॉलिक्यूल, फिर CH3, तो इसे प्यार से बोलते हैं एन हेक्सीन, क्या बोलेंगे, एन हेक्सीन। और वही मैंने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई, लाहा के साथ कराई, तो फंक्शनल ग्रुप बोलेगा एल्डिहाइड एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल, 1 डिग्री वो एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, तो ये बनेगा CH2OH CHOH का होल 4 और CH2OH। अच्छा, इसको प्यार से बोलते हैं सोर्बिटोल, क्या बोलते हैं, सोर्बिटोल, क्या बोलते हैं, सोर्बिटोल। अब दूसरा आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, क्या आता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पर भी दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, वैसे तो 4 यूज करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, फेरिंग्स रिएजेंट, लेकिन अभी उनकी रिएक्शंस के बारे में केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम लोग एक लेंगे Br2 ब्रोमीन वाटर, दूसरा HNO3। अच्छा बेटा, ये तो है माइल्ड, ये क्या है, माइल्ड, अरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ग्लूकोज को बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोज को बनाएगा सैचुरिक एसिड, ये ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोज को सैचुरिक एसिड, जैसे CHO CHOH चो चो लिखो, 4 बार लिखो, CH2OH लिखा, लिख लिया,
अब बेटा रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, अरे सर ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड एल्कोहल दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो COOH बनाएगा, CHOH बनाएगा, ये भी कितनी बार, चार बार COOH बनाएगा। इस एसिड को बोलते हैं सैचुरिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैचुरिक एसिड। वही इसकी रिएक्शन मैंने Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ करा दी, तो केवल एल्डिहाइड, देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल एल्डिहाइड को क्या बनाएंगे, एसिड, एल्डिहाइड को एसिड, एल्कोहल को नहीं बना सकते, एल्कोहल को कौन बना सकते हैं, डायरेक्टली एसिड स्ट्रॉन्ग, तो ये बनेगा COOH CHOH का होल फोर CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, बड़ी आसानी से समझा दिया आपने, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, आज का जो सेकंड लेक्चर है केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पे ही खत्म होगा। अच्छा 2-4-5 दिन में हम लोग माइक वाइक की थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, वो चेंज कर देंगे, ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा। फिर आवाज भी हमारी सोनू निगम जैसी निकलेगी, थोड़ा गला भी बैठा हुआ ठंड के मारे। चलिए तीसरा आता है फ्रॉम हाइड्रोक्साइल अमाइन, किसके साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन। जैसे ही हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है, NH2OH, क्या होता है, NH2OH। मान लो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहां चला गया, जंगलों में चला गया। अब जंगल में भैया क्यों जाते हैं, जंगल में मंगल करने नहीं जाते, और भी कई काम होते हैं, तो जंगल में चला गया, और जंगल में जाते ही हाइड्रोक्साइल अमाइन ने बोला अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, क्या बोला, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, और बाहर निकलते ही एल्डिहाइड का क्या निकाल, एल्डिहाइड ने क्या निकाल दिया, हाइड्रोक्साइल अमाइन का, पानी, और पानी निकालते ही ये क्या बन गया, ऑक्साइन बन गया, क्या बन गया बेटा, ऑक्साइन। यहां से पानी निकलेगा और पानी निकलते ही ये क्या बनेगा, ऑक्साइन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइन। और ऑक्साइन बनते ही ये क्या बन गया, ऑक्साइन बन गया, इसको प्यार से क्या बोलेंगे, ऑक्साइन। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन, जैसे ही ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ हुई, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन ने ग्लूकोज को देखा, ग्लूकोज कहां चला गया था, जंगलों में, और एल्डिहाइड से बोला अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, और एल्डिहाइड बाहर निकलते ही क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, और पानी निकालते क्या बन गया, ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, अगली रिएक्शन आती है फ्रॉम HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप को खोल दिया थोड़ा सा, सी एच ओ एच का होल फोर सी एच टू ओ एच। अब हुआ क्या कि इसकी रिएक्शन HCN के साथ हुई, और HCN टूटता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब देखो तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी धोखेबाज कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, करीना से पाई बॉन्ड लिया, मतलब करीना से बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ा तो ये भिखमंगे को अपने पास बुला लिया, अरे ओ भिखमंगे इधर आ, और इस इतने दुखी हो गए ये करीना, इसने क्या खा लिया, जहर खा लिया, साइनाइड ले लिया ना, साइनाइड ले लिया, जहर खा लिया, और जहर खाते सी ओ एच बन गया, एच बन गया, और यहां पर CN बन गया, सी एच ओ एच वैसे ही रहा का होल फोर सी एच टू ओ एच। इसको कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। जैसे ही करीना ने जहर खाया, साइनाइड लिया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देखो बहुत सिंपल है, देखो यहां से ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
हमें पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पर आएगा। अब हाइड्रोजन भाई साहब नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को देखेगा तो ये OH बना देगा और CN इस कार्बन पर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। यहां तक क्लियर है। लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, पांचवी रिएक्शन हमारी, और इसी के साथ आज का हमारा ग्लूकोज का टॉपिक भी हम यही एंड करते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में क्या है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स में बच्चे बोर भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं क्या पका रहा है, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स, प्यारे प्यारे लेक्चर्स, गुल्लू मुल्लू लेक्चर्स, क्या कह रहे हो, शायरी सुना दो, सुनाते हैं, चलो अभी आगे सुनाएंगे, ठीक है। अभी दूसरी जो क्लास है तो फिफ्थ, फिफ्थ रिएक्शन फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड जानते हो, CH3 सील डबल बॉन्ड ओ ओ सील डबल बॉन्ड ओ CH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा इसके पांच मॉलिक्यूल ले लें, कितने मॉलिक्यूल, पांच, CHO CHOH का होल फोर, CH2OH, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए, पांच, पांच मॉलिक्यूल ले लिए, CH3 सील डबल बॉन्ड ओ का होल ट्वाइस ओ। अब देखो होता है, समझिएगा बात, बाहुबली की तलवार चली खचा खच और हाइड्रोजन निकले, और यहां पर भी बाहुबली की तलवार चली खचा खच 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 खच, और जैसे ही यहां पर बाहुबली की तलवार चलेगी जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड, ये मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड, और कितने बनेंगे एसिटिक एसिड, पांच, पांच क्या बनेंगे एसिटिक एसिड, तो CH3 COOH कितने बन गए, पांच, और बाकी के मॉलिक्यूल, अब देखो CHO बाकी का ये मॉलिक्यूल जो बचा हुआ पार्ट है सी डबल बॉन्ड ओ CH3 यहां लग जाएगा, तो देखो ये क्या बनेगा CHO, ध्यान से देखिएगा CHO CO CH3, और ये कितने आ गए, चार आ गए, फिर CH2 OCO CH3 आगे के लिए आ गए, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अच्छा फिर समझो, देखो यहां से ये H प्लस रिलीज होंगे, यहां से सब क्या निकलेंगे H प्लस, और H प्लस ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आएंगे H प्लस, तो ये क्या बन जाएंगे एसिटिक एसिड, CH3COOH बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, पांच, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, पांच, और बाकी का बचा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 वो कहां जुड़ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ, तो सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये जुड़ गए चार और ये पांच, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, जल्दी लेके आएंगे, कल परसों में फिर डालेंगे, अभी थोड़ा सा माइक आ जाए फिर और अच्छी आवाज आएगी, ठीक है, तो मिलते हैं और पढ़ते रहिए, देखते रहिए हिमांशु सर बेस्ट, बाय बाय।